आज मैं स्कूटी लेके दवा जा रहा हूँ, कुछ आइडिया भी नहीं रास्ता कैसे होगा, बुरा होगा कि क्या होगा। फिर मौसम तो सुबह अच्छा, तो सुबह तो क्लियर है, पता नहीं दिन को क्या होगा, जिला तरफ क्या होगा। फिर मैं स्कूटी में जा रहा हूँ तो स्कूटी भी जिला तरफ पहुँचने में क्या होगा पता नहीं। फिर भी एक इच्छा था पहले से जाएगा बोल के, तो आज फाइनली निकल गया। मैं अपने साथ में एक फ्लूट लेके जा रहा हूँ और एक मेरा यूकुलेले, क्योंकि एक्चुअली मैं ले जाना तो गिटार चाहता था, लेकिन गिटार जितना पोर्टेबल नहीं है, कहीं भी ले जाओ फिर बड़ा साइज से बड़ा होने की वजह से। और दिराम से दबाऊँ तो दूरी 100 किलोमीटर का है यहाँ से, तो इसलिए यूकुलेले लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूकुलेले लिया नहीं था कि मैं इधर कहीं भी जाऊँ तो चल सकूँ। सोचा था तो गैरेज खुला नहीं, आगे पता ऊपर एक ट्यूब है, देखते हैं वो शायद वो खुला होगा। वैसे तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, फिर भी थोड़ा दूर है तो मैं सोचा था अच्छे से पढ़ाई, इतना तो नहीं है टायर में प्रॉब्लम, हवा तो हाँ शायद एक आदमी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया, आज हमको मेरे स्कूटी थोड़ा कम खींच रहे जैसे लग रहा है। यहाँ मैं था एक टायर का रिपेयरिंग दुकान, तो थोड़ा हवा भरा के ले जाना था। ये आगे में है, शायद नहीं खुला होगा। भैया जब यहाँ में था उधर में जा रहा है ये लोग डिस्प्लिन के, और ये तो कहाँ जा रहा है, मेरी स्कूटी स्टार्ट ऑफ कर दिया है, और मैं से ठीक था पता चल जाएगा, पता नहीं खुल गया है तो डाल के नहीं चलता हूँ, रिक्स नहीं लेते हुए, रिक्स नहीं लेना चाहिए ऐसे दूर रास्ता में। वहाँ का पुरस्कार है, फाइनली हवा मिल गया है तो चलाने में भी थोड़ा अलग से हो गया। यहाँ जो ये टायर शॉप है बीच रास्ता में, तो इमरजेंसी में बहुत अच्छा है। अभी पहुँच रहा है यादगार और टाइम हो गया 6:44, यहाँ तक पहुँचने बहुत टाइम लग गया मुझे। तो अभी अभी एक दोस्त से मुलाकात हुआ, जो हम मेरा पहले क्लास 4-5 के आसपास में मेरा क्लासमेट था, तो वो बता रहा था कि चल तो नहीं है एक सिंगे का नीचे ना बैसाखी का नीचे थोड़ा सा है बोला था। तो उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ था, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ है इसका बैटरी इतना लास्टिंग नहीं है, एक बैटरी अगर कंटिन्यू वीडियो का की रखने से 2 आवर्स का है। बड़ा गाड़ी को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे छोटा जगह में कब आगे से गाड़ी आ जाएगा पता नहीं, ऐसे चढ़ाई वाला जगह में बहुत तेल खा रहे हैं मेरा स्कूटी। अभी ऑलमोस्ट आधा पहुंचने वाला है, वैसे एक्स्ट्रा तो है शायद 4 लीटर का, 4 लीटर या 4.5 लीटर होगा एक्स्ट्रा लेके आया था पहले से। बैसाखी 1 किलोमीटर अभी बहुत दूर है बैसाखी। किचड़ शुरू हो गया शायद, हम सब वर्कर्स काम में जा रहा है।
अरे बहुत कीचड़ है यार, शायद आगे और भी ज्यादा हो सकता है। फिर यहाँ से खराब रास्ता शुरू हो गया है। ओ लेकी हाथे सेदा ले तो बोलो ओं खुमा उजान बेचन लो खुमा उजान बेचन खुमा उजान बेचन ए ओ या लो ये जो लड़का हम लोग का ही बस्ती का है वो भी शायद ऊपर निकलेगा बाद में बोल रहा है। रास्ता तो खराब नहीं बोल रहा था। अभी आगे सीट कर लिया अपना स्टीयर, तो जब हम यहाँ से रुक के करा था तो एक ग्रीन कलर का था शायद एल्टो, दुखा पूछा था क्या गया बोल के। तो ये सब बहुत अच्छा है कि मतलब किसी को दुखा देकर पूछना, क्योंकि कुछ लोग फिर बहुत होते हैं कि मतलब हेल्प प्रॉब्लम में फंसा था और हेल्प नहीं सकते, तो ऐसे हालत में अगर कोई ऐसा पूछता बने से बहुत अच्छा है। मेरा आईफोन को आगे डाल लिया, स्टिकर को निकालने कर लिया, अच्छे निकलते हैं। पता नहीं क्या बोलो, समझ में नहीं आया क्या है यार। थोड़ा स्कूटी को रेस्ट देता हूँ। ये है जेला, सेला पास। शुरू हो गया तवांग यहां से।
जगह बहुत सुंदर स्कूटी अभी न्यूटल में है, लगता है कहीं जाके रुक जाएगा। इतना सुंदर लग रहा है। जंग अभी 23 किलोमीटर है यहाँ से, ठंडा बहुत है। लेकिन फिर पहुंच गया कीचड़ वाला जगह में। फिर देखेंगे इन लोग, क्योंकि मेरे यहाँ गाना लगा के रखा है तो फांसी मोबाइल लेकर लो मुड़ेगा। Yes, I expect. जब वो मेरे साथ थी, हाथ में था उसका हाथ, कैसी मुलाकात थी, वो ही मेरी जान थी, सबसे अनजान थी, अंधकारों में भी यार मुझको पहचान थी, उसके बिना जीऊं कैसे, डर यूं मुझको लगता था, डोर उसके हाथों में थी, कर भी क्या मैं सकता था, बन रहा था बेवकूफ रोज उसके प्यार में, सोचा मैं हूँ एवरीथिंग उसके संसार में, एक दिन देखा उसका सेल पकड़ के हाथ में, चैट किसी अजनबी से कर दी थी वो रात में, चक्कर में मुझे पता नहीं जाना कहाँ है, बाजार कहाँ है। यार लिखा क्या रहता है, अरे काम चल रहे, यार काम चल रहे, साइड से जाने के लिए नहीं होगा। स्कूटी तो निकल जाएगा वो नहीं दीदी, ठीक है तो इधर साइड में लगा के ठीक है।
करना है। अरे सर पेट्रोल है? ये फुल कर दीजिए। तो यहाँ पेट्रोल का रेट कैसे है? 99। तेल भरा लिया। सब नहीं है क्या? क्या कर सेंट्रल बैंक भाई